आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इनकी स्टोरी इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो टीवी पे फिल्में देखते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि मैं तो हीरो ही बनूंगा। इन्होंने जब अग्निपथ देखी तो उसमें फाइट सीन्स देखकर मोहल्ले में फाइट करना शुरू कर दिया। जब DDLJ में शाहरुख खान को देखा तो अपना नाम राजकुमार यादव से बदलकर राज रख दिया। दिल्ली में एक बार डीनो मोरिया की शूटिंग हुई तो ये गुड़गांव से दिल्ली गए सिर्फ उस शूटिंग को देखने, और उस दिन डिसाइड कर लिया कि वो बनेंगे तो एक्टर ही। आमिर खान ने गुलाम में जो रेलवे ट्रैक वाला स्टंट किया था वो ये कई बार अपने वहाँ प्रैक्टिस कर चुके हैं। कुछ इस तरह से बॉलीवुड और फिल्में जो हैं इनकी नस नस में बसा था। यही कारण है कि इनके लिए अगर लाइफ में करने के लिए कुछ था तो वो था सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग ही। और अपने एक्टर बनने के सपने को लेकर अपनी बाइक से निकल गए मुंबई नगरिया के लिए। आज ना सिर्फ ये नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर है बल्कि बाइक की जगह इनके पास मर्सिडीज और ऑडी जैसी कार्स है। बात करेंगे बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर राजकुमार राव की। राजकुमार राव की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब राजकुमार राव के स्कूल की फीस उनके टीचर ने भरी? क्यों राजकुमार राव को मुंबई में कई दिन बिस्किट और फ्रूटी पीकर गुजारने पड़े? और कैसे जो राजकुमार राव अपने शहर से चले थे एक बाइक पर, वो आज मुंबई की सड़कों पर घूमते हैं आलीशान कारों में। राजकुमार राव का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। गुड़गांव में इनकी फैमिली बसी हुई थी और इनके पिता एक पटवारी थे, मॉम हाउसवाइफ थी और सभी जॉइंट फैमिली में रहते थे। फिल्मों का माहौल बहुत था घर में, सबको फिल्में देखने का शौक था और सैटरडे और संडे को तो VCR पर फिल्में ही देखी जाती थी। राजकुमार राव दिन की 3 फिल्में निपटा लेते थे और वो फिल्में देखकर उसी के स्टंट्स किया करते थे। जब अग्निपथ आई तो अमिताभ बच्चन के मरने का बहुत दुख हुआ और जब फाइट सीन देखे तो मोहल्ले में फाइट सीन करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मार्शल आर्ट्स के एक टीचर ने उन्हें फाइट करते हुए देखा और उन्हें ट्रेनिंग देने की बात कही। राजकुमार राव और उनके कजिन्स ने वो ट्रेनिंग ज्वाइन की, जहां बाकी सारे कजिन्स थोड़े ही दिन में आना बंद हो गए, वहीं राजकुमार राव ने लंबे समय तक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली। न सिर्फ उन्होंने बेहतरीन मार्शल आर्ट्स किए बल्कि मेडल्स भी जीते और नेशनल लेवल तक अपने स्कूल से गए। कम ही लोग जानते हैं कि राजकुमार राव डांसर भी बहुत अच्छे हैं। स्कूल में राजकुमार राव को लोग जानने लगे थे, पढ़ाई में भी अच्छे, डांस भी करते हैं, मार्शल आर्ट्स भी करते हैं। यही कारण है कि जिस वक्त उनकी माली हालत ख़राब हुई और फीस देने के पैसे नहीं थे, तब राजकुमार राव के टीचर ने ही 2 सालों तक उनकी फीस दी। धीरे धीरे स्कूल में प्लेस का हिस्सा भी राजकुमार राव बनने लगे। जब 10th क्लास में आए तो फिल्मों को लेकर समझ और ज़्यादा तेज होने लगी और ये जो फिल्मी भूत है ये और ज़्यादा हावी होने लगा। इसी दौरान दिल्ली में उन्होंने कहीं पढ़ा कि 10,000 रुपये लेते हैं और आपको TV सीरियल में काम दिलवाते हैं। इस तरह की एक कास्टिंग एजेंसी के जाल में वो फंसे। राजकुमार राव ने भी पैसा दिया और रोल का इंतज़ार करते ही रह गए। उस कास्टिंग एजेंसी से कभी कॉल ही नहीं आया और पैसे लेकर वो बंदा ही भाग गया। यानी कि फिल्में मिली नहीं, धोखा और सबक उससे पहले ही मिल गया। लेकिन अब जो ये चाह थी और भूख थी टीवी पर आने की, ये और ज़्यादा बढ़ गई थी। उस दौरान क्या हुआ कि रियलिटी शोज आने लगे थे, बूगी बूगी बहुत चल रहा था और राजकुमार राव डांसर तो थे ही अच्छे, तो अपने कजिन को लेकर मुंबई आ गए ट्रेन में बैठकर बूगी बूगी का ऑडिशन देने। ऑडिशन दिया भी लेकिन रिजेक्ट हो गए। उस दिन ये रिजेक्शन उनके लिए खराब था, उन्हें बुरा भी लगा, लेकिन आज अगर देखा जाए तो लगता है कि वो जो रिजेक्शन था वो उनकी लाइफ की बेस्ट चीज थी। इसके बाद राजकुमार राव फिर से दिल्ली आ गए क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से थी, ग्रेजुएशन तो करनी ही है। BA के लिए उन्होंने खुद को एनरोल किया और साथ में क्षितिज करके एक थिएटर ग्रुप था मंडी में, वहां पर उन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन के साथ साथ 3 सालों तक राजकुमार राव ने थिएटर किया। इस दौरान कई सारे प्लेस किए और कई सारी थिएटर पर्सनालिटीज से भी मिलना हुआ, यानी कि आर्ट को बहुत करीब से देखा। अब टाइम था आर्ट के गुर सीखने का, टेक्निक सीखने का, डिग्री लेने का। तो इसके लिए वो निकल गए पुणे। पुणे FTII में राजकुमार राव ने एक्टिंग के कोर्स के लिए खुद को एनरोल किया और 3 सालों में जितना सिनेमा वो अब तक देख के आए थे उसका एक अलग वर्जन उन्होंने FTII में देखा। आर्ट क्या होती है वो सीख लिया, आर्ट कैसे होती है वो सीख लिया।
लेकिन अब आपके आर्ट के बेसिस पर आपको काम कौन देगा वो आजमाने का टाइम था। राजकुमार राव का एक्टिंग का सपना सच तो मुंबई आकर ही होना था। यही कारण है कि जिस बाइक को वो दिल्ली से लेकर पुणे गए थे, अब उसी बाइक से मुंबई आने का टाइम था। क्योंकि एक स्टूडेंट थे, एक्सपीरियंस कुछ था नहीं, मुंबई में काम कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी, ऐसे में स्ट्रगल करना पड़ेगा, इस बात की समझ राजकुमार राव को थी। उन्होंने अपना एक बजट बनाया। जानते हैं कि मुंबई में अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, एक खर्चा एक्स्ट्रा नहीं करोगे, उसके बावजूद मिनिमम 20,000 आपको मंथली चाहिए ही, आपका रहने का और खाने का खर्चा ही इतना होता है। यही कारण है कि राजकुमार राव ने मुंबई आकर एक घर लिया रेंट पर, शेयरिंग बेसिस पर था, 7,000 रुपये उनका रेंट था और खाना पीना पेट्रोल गाड़ी का करके 20,000 रुपये मंथली उन्हें ज़रूरत होती थी। इस दौरान फैमिली से उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब जेब में खाने के पैसे नहीं और इधर ऑडिशन के लिए जाना है, कितने घंटे लग जाएंगे वहाँ पर पता नहीं, ऐसे में पार्ले जी और फ्रूटी पीकर भी राजकुमार राव ने वो दिन निकाले हैं। लेकिन उस भूख से ज़्यादा उन्हें काम की भूख की चाह थी, इसीलिए पेट की भूख उनके ऊपर कभी भी हावी नहीं हुई। हालांकि राजकुमार राव कहते हैं कि पैसा नहीं होने के कारण वो कई बार टूटे थे, लेकिन उनका सपना इतना मजबूत था कि उन्होंने इस पैसे की आंच को सपने पे नहीं आने दिया। लेकिन ये स्ट्रगल यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। अभी तो खुद के काम और टैलेंट को दिखाना था और उसके बेसिस पर काम लेना था। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये इंडस्ट्री पहले आपका चेहरा देखती है, फिर आपका ऑडिशन और एक्टिंग देखती है। और यही कुछ राजकुमार राव के साथ भी हुआ। राजकुमार राव जब भी ऑडिशन देने गए तो उन्हें ये कहकर ही रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारे लुक्स हीरो जैसे नहीं लगते हैं, ना तुम्हारे मसल्स है, ना बॉडी बनाई है, तुम हीरो नहीं बन सकते। इसी दौरान राम गोपाल वर्मा एक फिल्म बना रहे न्यूज रीडर का, चंद सेकेंड्स का ये रोल था और तब तो राजकुमार राव को किसी ने नोटिस भी नहीं किया। लेकिन अब जब वो इतने बड़े स्टार बन गए हैं तो उनकी वो वीडियो काफ़ी देखी जाती है। जहां काम वहां राजकुमार राव। ऐसे में मुंबई में श्रीजीज करके एक स्टूडियो है जहां पर एड के लिए ऑडिशंस होते हैं। 200 एक्टर्स वहां पर लाइन लगाकर ऑडिशंस के लिए खड़े होते हैं। राजकुमार राव भी कई बार इन एड्स के लिए ऑडिशन देने के लिए गए, उनका नंबर आता उससे पहले ही 6 लोगों को सेलेक्ट करके बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया जाता। इस तरह के कई रिजेक्शंस राजकुमार राव फिल्मों में आने से पहले ही झेल चुके थे। तो ये एक और सबक उन्होंने सीखा कि यहाँ पर रिजेक्शन भी पार्ट ऑफ जर्नी है। इसी दौरान उन्हें एक न्यूज़पेपर ऐड से पता चला कि दिबांकर बैनर्जी एक फिल्म बना रहे हैं और उसमें नए एक्टर्स को कास्ट कर रहे हैं। अतुल मोंगिया करके उनका कास्टिंग डायरेक्टर है। राजकुमार राव ने अतुल मोंगिया से कॉन्टैक्ट किया और वो अपना ऑडिशन देने गए। रोल के बारे में थोड़ा बहुत पता किया था, उस हिसाब से ही उन्होंने अपना ऑडिशन दिया। कुछ ही दिनों बाद उन्हें कॉल आया और उन्हें कहा गया कि वो इस फिल्म में काम कर रहे हैं। राजकुमार राव के खुशी का ठिकाना नहीं था। जो राजकुमार राव एक टाइम पर टीवी पर हीरो को देखकर हीरो बनने का सपना बना बैठे थे, वो राजकुमार राव अब बड़ी स्क्रीन के लिए सेलेक्ट हो गए थे। और ये काम की भूख ही इतनी ज़्यादा थी कि इस फिल्म के लिए पैसा क्या मिल रहा है वो राजकुमार राव के लिए सेकेंडरी था, भले ही उन्हें उस टाइम पैसों की बहुत ज़रूरत होगी। ये फिल्म थी लव सेक्स और धोखा और इस फिल्म में राजकुमार राव को काम करने के लिए मात्र 11,000 रुपये मिले थे। इसके बाद वो दूसरी फिल्म में नजर आए, रागिनी MMS। इस फिल्म के लिए उन्हें 1,00,000 रुपये मिला और ये वो टाइम था जब पैसों की जो किल्लत थी वो दूर हो रही थी और अब अच्छा काम करना था। लेकिन उनका इंडस्ट्री में बैकग्राउंड नहीं था, यही कारण है कि खुद ही को अपना टैलेंट दिखाना था और खुद के लिए रास्ता बनाना था। इसी दौरान राजकुमार राव ने बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स भी किए, जैसे कि फिल्म शैतान और गैंग्स ऑफ वसीपुर, जहां शैतान में कल्की और गुलशन देविया लीड एक्टर्स थे, राजकुमार राव का छोटा रोल था। वहीं गैंग्स ऑफ वसीपुर में भी मनोज बाजपेयी और दूसरे एक्टर्स का बड़ा रोल था, राजकुमार राव का रोल बहुत छोटा था। उसके बावजूद उन्होंने इन फिल्मों में काम किया क्योंकि एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स और बेहतरीन डायरेक्टर के साथ उन्हें काम करने का मौका मिल रहा था। 2012 में एक वो टाइम आया जब राजकुमार राव ने उस एक्टर के साथ काम किया जिसका स्टंट वो दिल्ली में परफॉर्म किया करते थे, रेलवे ट्रैक वाला। तलाश फिल्म में आमिर खान के साथ पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए थे और यहाँ पर भी रोल छोटा था, लेकिन आमिर खान, करीना और रानी मुखर्जी जैसे स्टार्स इस फिल्म का हिस्सा थे। फिर आई फिल्म कायपोचे। इस फिल्म में 3 एक्टर्स थे, राजकुमार राव के अलावा सुशांत सिंह राजपूत और अमित साध।
इस फिल्म को प्रमोट किया गया सुशांत के नाम से ही। जाहिर सी बात है सुशांत तब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, पवित्र रिश्ता सुपरहिट था, तो मेकर्स ने सुशांत की पॉपुलैरिटी पर ही एंड कैश किया। राजकुमार राव की बात कम हुई लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो तारीफ सभी एक्टर्स की हुई। तीनों एक्टर्स ने ब्रिलियंट काम किया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद आया वो साल जिस साल ने राजकुमार राव की किस्मत बदल दी। इंडस्ट्री में हमने दो तरह के डायरेक्टर्स देखे हैं, एक वो जो स्टार के साथ काम करते हैं और इजी सक्सेस पा लेते हैं, और दूसरे वो जो स्टोरी के हिसाब से सोचते हैं और ये दिमाग लगाते हैं कि कौन एक्टर है जो मेरी कहानी को अपने कंधों पर ढो सकता है। उसमें से एक है हंसल मेहता, जिन्होंने हाल ही में स्कैम बनाई थी और हमें प्रतीक गांधी जैसा स्टार दिया था। ये हंसल मेहता हमें पहले राजकुमार जैसा स्टार दे चुके हैं फिल्म शाहिद से। इस फिल्म में राजकुमार राव की इतनी जबरदस्त एक्टिंग थी कि इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को मिला अवार्ड डायरेक्ट नेशनल अवार्ड। अचानक से जो राजकुमार राव फिल्मों में छोटे रोल्स कर रहे थे, जिन्हें बड़ी फिल्में नहीं मिल रही थी, वो अब एक बहुत बड़ा नाम इंडस्ट्री के लिए हो गए थे। और इस फिल्म में अवार्ड देने से पहले किसी ने राजकुमार राव के लुक्स पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उनके मसल्स की बात हुई, जो चीज उन्हें इनिशियली अपने करियर पर झेलने को मिली थी। ये 2014 में राजकुमार राव एक बार फिर से नजर आए एक बेहतरीन फिल्म में, कि जब आप नए नए मुंबई में आते हैं तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सिटी लाइट्स करके ये फिल्म थी जिसमें राजकुमार राव के साथ उनकी वाइफ के रोल में नजर आई उनकी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड पत्रलेखा। पत्रलेखा से राजकुमार राव की मुलाकात हुई थी FTII में ही, हालांकि वो वहाँ की स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन उस दौरान उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म में साथ में काम किया था और वहीं से इन दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। हमारी अधूरी कहानी, अलीगढ़, बेहतरीन लोगों के साथ काम कर रहे थे। और यह 2016 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने ये प्रूव कर दिया कि इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स एक तरफ और राजकुमार राव एक तरफ। ये एक ऐसी फिल्म थी जो बाकी बॉलीवुड की मसाला फिल्मों से अलग थी। इस फिल्म में ना गाना बजाना था, ना कोई विलन, ना कोई कॉमेडी, ना ही कोई सेक्स सीन्स और ना ही रोमांटिक सीन्स। ये फिल्म सिर्फ एक फ्लैट में बननी थी और एक एक्टर था, यानी कि फिल्म पूरी एक्टर के कंधों पर ही थी। और इस फिल्म के लिए चूज किया गया राजकुमार राव को। विक्रमादित्य मोटवाने ने ये फिल्म बनाई, ट्रैप्ड नाम की फिल्म, जिसमें शौर्य नाम का किरदार राजकुमार राव ने निभाया था। और इस फिल्म के बाद हम कह सकते हैं कि राजकुमार राव ने इस इंडस्ट्री में ना सिर्फ अपना समय दिया है बल्कि अपना खून, पसीना, खाना पीना सब कुछ दिया है। एक्चुअली इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को 8 kgs लूज करना था। यही कारण है कि राजकुमार राव ने अपनी डाइट को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान वो दिन में सिर्फ गाजर और ब्लैक कॉफ़ी पिया करते थे, पानी पीना भी कम कर दिया था ताकि कैरेक्टर बहुत रियलिस्टिक लगे। फिल्म में एक सीन है जहां पर राजकुमार राव को खून से एक साइन बोर्ड लिखना होता है। वो जो खून वाला सीन है उसमें राजकुमार राव ने असली खून निकाला, उन्होंने सचमुच अपनी उंगली पर कट लगाकर असली खून से ही वो साइन बोर्ड लिखा है। इस फिल्म में कबूतर खाने का भी एक सीन है जहां पर राजकुमार राव को भूख लगती है और वो कबूतर खाते हैं। राजकुमार राव एक वेजिटेरियन है लेकिन फिल्म में अपने एक्सप्रेशंस रियलिस्टिक देने के लिए उन्होंने वाकई में इस सीन को पिक्चराइज करने के दौरान नॉनवेज खाया था, वो भी पहली बार। और ये सारी मेहनत पे ऑफ हुई जब इस फिल्म को लोगों ने सराहा। सोचिए, जहां एक तरफ इंडस्ट्री में मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एक पॉपुलर एक्टर्स लेते हैं, डांस रखते हैं, आइटम नंबर रखते हैं, रोमांटिक सीन्स रखते हैं, वहीं इस फिल्म में सिर्फ एक फ्लैट और एक बंदा था, उसके बावजूद ये फिल्म चली है, लोगों ने पसंद किया है। और उसी दिन प्रूव हो गया कि फिल्में स्टार से नहीं बल्कि फिल्में एक अच्छे एक्टर से चलती है। क्या आप सोच सकते हैं कि ट्रैप जैसी फिल्म का शौर्य का जो किरदार था वो राजकुमार राव के बजाय सलमान खान या अक्षय कुमार कैरी कर पाते? नहीं ना। तो फिर ऐसा क्यों है कि इन स्टार्स को इंडस्ट्री में इतना हाईली पे किया जाता है, वहीं राजकुमार राव जैसे एक्टर्स को उतनी पेमेंट या उतना बड़ा नहीं बताया जाता है? राबता और फिर आई बरेली की बर्फी। इस फिल्म में भी राजकुमार राव के रोल को काफी पसंद किया गया और यहाँ से राजकुमार राव की एंट्री कमर्शियल सिनेमा की तरफ हो रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप काम तो कर रहे हो, आपको तारीफ भी मिल रही है, लेकिन लाइफ को थोड़ा इजी बनाने के लिए पैसा भी कमाना पड़ता है। यही कारण है कि फिर राजकुमार राव ने कमर्शियल सिनेमा में भी एंट्री मारी। राजकुमार राव ने खुद अपने इंटरव्यूज में बताया है कि एक टाइम ऐसा भी था जब वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस,
ट्रेलर लॉन्चेस में ऑटो रिक्शा से या बाइक से जाया करते थे, लेकिन कमर्शियल सिनेमा में आने के बाद उनकी ये मुश्किलें भी दूर होने लगी। 2017 में एक फिल्म आई जिसके लिए फिर एक बार राजकुमार राव अलग किरदार में नजर आए, बाल घुंघराले कर लिए और ज्यादा पलके झपकाकर बात करने लगे। न्यूटन का ये किरदार था जो राजकुमार राव ने निभाया और एक बार फिर लोगों को उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। कम ही लोग जानते हैं कि इस फिल्म के दौरान राजकुमार राव पर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इस दौरान उनकी मॉम की डेथ हो गई थी। फिल्म के शूटिंग स्केड्यूल से एक दिन की छुट्टी लेकर राजकुमार राव अपनी मॉम के फ्यूनरल में शामिल हुए, लेकिन अगले ही दिन अपने काम पर लौट गए। उन्हें पता था कि अगर माँ जिंदा होती तो वो भी यही कहती। इस दौरान वो अपनी मॉम को बहुत मिस करते थे। शूटिंग के दौरान कई बार पंकज त्रिपाठी के सामने राजकुमार राव रो पड़ते थे। इस फिल्म की स्टार्टिंग में राजकुमार राव की मॉम को ट्रिब्यूट भी दिया गया है। राजकुमार राव ने इंडस्ट्री में रहते हुए ऐसे रोल्स भी किए हैं जो शायद दूसरे एक्टर्स मना कर देते और मना किया भी, जैसे कि क्वीन, जो कि फिल्म पूरी कंगना रनौत पर थी, उसके बावजूद राजकुमार राव ने क्वीन फिल्म में काम किया। फने खान में ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर बड़े स्टार्स थे, उसके बावजूद राजकुमार राव ने इस फिल्म में काम किया। और फिर एक बार स्त्री नाम की फिल्म, जो कि श्रद्धा कपूर और स्त्री के कैरेक्टर पर बेस्ड है, वुमेन ओरिएंटेड फिल्म, उसमें एक बार फिर से राजकुमार राव ने काम किया और ये प्रूव कर दिया कि फिल्म किसी पर भी सेंटर्ड हो, फिल्म का सब्जेक्ट कुछ भी हो, वो अपना लोहा मनाएंगे ही। इस फिल्म में राजकुमार राव की एक्टिंग को पसंद किया गया। राजकुमार राव ने यह भी बता दिया कि वो अच्छी एक्टिंग के साथ साथ कॉमेडी भी अच्छी कर लेते हैं और ये फिल्म राजकुमार राव के करियर की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट फिल्म बनी। इस फिल्म के बाद प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्मों में राजकुमार राव की डिमांड करने लगे। और जहां तक बात है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रिक्शा में जाने की, तो अब रिक्शा की जगह मर्सिडीज और ऑडी आ चुकी थी। इनफैक्ट स्त्री फिल्म में तो ऐसा हुआ कि ये फिल्म पहले आयुष्मान खुराना को ऑफर हुई थी, लेकिन उस टाइम वो इतने टॉप पर थे कि उन्हें किसी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म में काम ही नहीं करना था, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। और बाद में इस फिल्म को किया राजकुमार राव ने। राजकुमार राव ना सिर्फ फिल्में कर रहे हैं बल्कि वो वेब सीरीज भी कर चुके हैं। बोस नाम की वेब सीरीज के लिए उन्होंने अपना वेट भी पुट ऑन किया था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहां जहां अलग तरह के रोल्स की या एक्टर ओरिएंटेड रोल्स की बात होती है, तो वहां पर राजकुमार राव जैसे एक्टर की बात होती है। राजकुमार राव के लाइफ की जर्नी उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अक्सर फिल्में देखते हैं घर पे टीवी में और कहते हैं कि मुझे भी हीरो बनना है, और घर वाले तब कहते हैं कि चुपचाप पढ़ाई करो, तुम्हारे पिता अंबानी नहीं है। राजकुमार राव ने प्रूव किया कि अगर पिता अंबानी नहीं भी है और आपके पास बड़ा सरनेम नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं है, इंडस्ट्री में किसी से कॉन्टैक्ट नहीं भी है, तो भी आप इंडस्ट्री में आ सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं और यहाँ पर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। बॉलीवुड में कई एक्टर्स हैं जिनको हमने देखा है कि कभी अपने रिलेशनशिप के लिए जाने जाते हैं, कभी अपने नशे की आदत के लिए जाने जाते हैं, तो कभी अपने नखरों के लिए जाने जाते हैं। राजकुमार राव को अब तक हमने जितना जाना है और जितना उनके बारे में सुना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग को लेकर ही सुना है। इसीलिए उनकी ये कहानी सुनकर ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी नस नस में सिनेमा है। राजकुमार राव की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? उनकी कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको बेहतरीन लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।